अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां किसानों के लिए खाद की समुचित व्यवस्था की गई है। रीवा जिले में सहकारी समिति, विपणन संघ तथा निजी विक्रेताओं के पास 31 अक्टूबर की स्थिति में 7488.60 टन यूरिया तथा 5026 टन DAP खाद उपलब्ध है। इस संबंध में उप संचालक कृषि UP बागरी ने बताया कि जिले के किसान खाद की आपूर्ति के लिए चिंतित ना हो, खाद की नियमित आपूर्ति जारी है। किसानों को अगले एक सप्ताह जितनी खाद की जरूरत होगी उसी की खरीद करें। उप संचालक ने बताया कि अब तक किसानों को अक्टूबर माह में 5657.96 टन यूरिया तथा 6334.35 टन DAP का वितरण किया जा चुका है। सिंगल तथा डबल लॉक से प्रतिदिन खाद वितरित की जा रही है। जिस केंद्र में अधिक संख्या में किसान खाद लेने पहुंच रहे हैं, वहां अधिकारियों की निगरानी में टोकन देकर खाद का वितरण किया जा रहा है। वर्तमान में मार्ग फेड सहकारी समिति तथा निजी विक्रेताओं के पास खाद उपलब्ध है। जिन समितियों में खाद नहीं है, वहां शीघ्र ही खाद उपलब्ध कराई जाएगी। उपसंचालक ने बताया कि किसानों को यूरिया 266.70 रुपए प्रति बोरी तथा DAP 1350 रुपए प्रति बोरी की दर से बिक्री की जा रही है। यदि कोई विक्रेता किसान से इससे अधिक राशि की मांग करता है तो कलेक्टर मनोज पुष्प के मोबाइल नंबर 9329300103, उपसंचालक कृषि के मोबाइल नंबर 9630720097 अथवा उपायुक्त सहकारिता के मोबाइल नंबर 9425358444 पर सूचना दें। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मोबाइल नंबर 9425118823 अथवा जिला विपणन अधिकारी के मोबाइल नंबर 9752503192 पर भी सूचना दी जा सकती है। सूचना पर समुचित कार्यवाही की जाएगी। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया आभूषण, समदड़िया